नमस्कार, ई न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। स्वीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुआ कोलगढ़ गांव में एक ऑटो चालक द्वारा करीब दर्जन भर लोगों के ऊपर ऑटो चढ़ा दी गई है, जिसमें सभी लोग घायल हो गए हैं। घायलों में विभिन्न कॉलेज की छात्राएं भी शामिल है। घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। घटना के बारे में प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें घायलों और ऑटो चालक के बीच पुराने विवाद की बातें सामने आ रही है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभागार में समय सीमा बैठक ली गई, जहां समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को समय पर समस्याओं के निराकरण के आदेश दिए गए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण का आदेश दिया गया। सीधी जिले के वनांचल क्षेत्र मझौली अंतर्गत परसिली में 3 दिवसीय बाणभट्ट राष्ट्रीय लोक संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें पहले दिन बघेली बाल कलाकार मान्या पांडे सहित झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई कलाकारों ने अपने अपने क्षेत्र के लोक संगीत की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेका मौजूद रहे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व विभिन्न क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube, Facebook, WhatsApp से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज की खबरें हमारे वेबसाइट www.enewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा Google Play Store पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक बने रहिए ई न्यूज एमपी पर। धन्यवाद।